आज मैं आपको उज्जायी प्राणायाम का अभ्यास बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको सावधानी बताती हूँ कि उज्जायी प्राणायाम किनको नहीं करना चाहिए। जिनके बीपी लो रहता है उन्हें ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। और उज्जायी प्राणायाम सबसे ज्यादा फायदा करता है थायराइड में। जिनके थायराइड की समस्या है उनके लिए तो ये रामबाण का काम करता है। साथ ही जिनको लंबी आयु चाहिए, अच्छी सेहत चाहिए, तो उनके लिए लाभदायक है। इसको करने के पश्चात बॉडी में वाइब्रेशन उत्पन्न होता है और साथ ही तंत्रिका तंत्र को ठीक करने का काम करता है। आइए अब हम इसका अभ्यास करते हैं। सबसे पहले सुखासन में आप बैठ जाएंगे। अगर आप नीचे बैठकर नहीं कर सकते तो आप चेयर पे या तख्त पे बैठकर भी कर सकते हैं, पैर लटकाकर। शर्त ये है कमर गर्दन एकदम सीधी रहनी चाहिए। और आए अभी हम इसका अभ्यास करेंगे। ये भी खाली पेट किया जाता है? सारे ही अभ्यास खाली पेट करे जाते हैं। जितने भी योगाभ्यास है, प्राणायाम है, सभी खाली पेट ही किए जाते हैं। अगर आपने खाना खा लिया है तो आप उसके 5-6 घंटे बाद ही अभ्यास करें। आए अब मैं आपको बताती हूँ, इसमें मुंह बंद रखना है, गले को टाइट करके नाक से हम श्वास शरीर के भीतर भरेंगे। उसके पश्चात हम गर्दन को इस तरीके से धीरे धीरे हिलाते हुए अपनी ठुड्डी को या छाती से स्पर्श करवाने का प्रयास करेंगे। और श्वास को जितनी हमारी श्रद्धा हो, कैपेसिटी हो, जितनी देर हम रख सकते उतनी देर रोक के अपने भीतर रखना है। उसके पश्चात गर्दन ऊपर उठाते हुए हमें दाहिनी नासिका बंद करते हुए बाईं नासिका से पूरा श्वास शरीर से बाहर छोड़ना है। इसका अभ्यास हम 3-5 बार कर सकते हैं। हम इसका अभ्यास करेंगे, गले को एकदम टाइट करके और मुंह बंद करके नासिका से श्वास लेंगे। तो इस तरीके से हमने अभ्यास किया। एक बार पुनः मैं आपको बता देती हूँ, आप भी साथ करें। गले को टाइट करके मुंह बंद करके नासिका से श्वास भरेंगे। तो इस तरीके से आप नियमित रूप से उज्जायी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आपको स्वास्थ्य लाभ होगा।